सब्सक्राइब कीजिए सिम्पल्स किचन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, सिम्पल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम अपने किचन में बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर और सबकी फेवरेट रेसिपी बनाने जा रहे हैं, पालक पनीर। इसे बनाना बहुत आसान होता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। पालक में आयरन होता है तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए, इस सिंपल सी और टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैंने लिया है 2 गड्डी पालक, जिसे मैंने पहले ही धोकर और काट लिया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, हम इसे बॉईल करना है तो इसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। और यहाँ पे ये दिखने में पालक बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन जब ये बॉईल होता है तो ये बहुत ही थोड़ा हो जाता है जब हम इसे मिक्सी में पीसते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 गड्डी पालक ले लिया है। इतने पालक के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने क्यूब में काट लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसे इस क्यूब में काट लिया है। आप इसे अपने मनचाहे शेप में काट सकते हैं, छोटा बड़ा आपको जैसा चाहिए है वैसा। अब जब हम पालक पनीर बनाएंगे तो इसे तड़का भी लगाएंगे और बॉईल करते वक्त भी कुछ चीज़ें डालेंगे, जिससे पालक का जो कलर है वो बना रहे और जिसमें टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाए। तो इसमें हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने बॉईल करने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो रख दी है। मैंने लिया है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ 8 से 10, चीनी 1 टीस्पून और हमें चाहिए खाने का सोडा। सोडा हमें इसलिए डालना है क्योंकि जो पालक का कलर है वो उसे ऐसे ही ग्रीन रखेगा, तो हमें कलर अच्छा चाहिए इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा सोडा डाल रहे हैं। तो ये हमारी हुई बॉईल करने वाली सारी की सारी सामग्री। अब हमें तड़के के लिए जो चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जीरा लिया है तड़के के लिए 1 टीस्पून, लहसुन लिया है 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप अगर चाहें तो क्रश करके भी ले सकते हैं। अब अदरक और लहसुन हमने पहले ही बॉईल करने में डाला था, लेकिन हम यहाँ पे तड़के में भी इसे यूज़ करेंगे। आप इस तरह से भाजी बनाकर देखिए, ये भाजी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन की पेस्ट ले ली है मैंने 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे हमने हरी मिर्च पहले ही डाल रखी है, तो उस हिसाब से आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हम लेंगे अपने स्वादानुसार और हमें चाहिए तेल इसे फ्राई करने के लिए, इसे तड़का देने के लिए। तो चलिए, हमने अपनी सारी की सारी सामग्री पालक पनीर की देख ली है, तो जल्दी से चलते हैं हमारे पालक पनीर बनाने। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो पालक पहले ही काट के रखी थी उसे हम बॉईल कर लेंगे। अब वो कैसे बॉईल करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए पहले पालक ले लेंगे। पालक पनीर बनाने के लिए हमें जो पालक बॉईल करनी है उसके लिए मैंने यहाँ पे हांडी चढ़ा दी है, पानी डाल देंगे इसमें। 1 ग्लास पानी डालेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे एक उबाल आने देंगे। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पानी को एक बॉईल आ चुका है। अब इसमें चीनी डाल देंगे, सोडा, हमने हरी मिर्च ली थी उसे बस हमें बीच में से ऐसे कट लगा लेना है। तो उसी तरह से अपनी सारी की सारी हरी मिर्च ऐसे बीच में से कट लगा के और डाल देंगे। तो देखिए, मैंने हरी मिर्च डाल दी है, लहसुन डाल देंगे और हमने लिया था अदरक, उसे भी बारीक चॉप करके डाल देंगे। तो देखिए, मैंने अदरक डाल दिया है इसमें। अब इसमें दालचीनी ऐड कर देंगे, जो हमने पहले ही वॉश करके और चॉप करके रख दी थी। देखिए, मैंने इसमें भाजी डाल दी है, गैस की फ्लेम हाई कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे ताकि हमारी जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो। अब हमें इसमें क्या करना है कि हाई फ्लेम पे इसे एक उबाल आने देंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें 20 से 25 मिनट तक के बॉईल करना है, जब तक कि हमारी भाजी अच्छे से बॉईल नहीं हो जाती तब तक। अब हमने इसमें सोडा डाला है तो इसका कलर ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे इसे ढकना नहीं है। हम इसे ढकेंगे तो इसका भाजी का कलर चेंज हो सकता है। बिना ढके हमें इसे 20 से 25 मिनट तक के ऐसे पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो पालक है अच्छे से बॉईल हो चुकी है और 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने स्लो फ्लेम पे इसे बॉईल किया है, इसलिए 20 से 25 मिनट लगे। आप अगर चाहे, आप अगर जल्दी में हो तो इसे हाई फ्लेम पे भी जल्दी से बॉईल कर सकते हैं। तो ये हमारी पालक बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल वैसा ही है ग्रीन, जैसे कि हमने
पालक जब बॉईल करने के लिए डाला था तब था, ये हुआ हमारी चीनी और सोडे की वजह से। तो ये हमारी पालक, अब इसे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और मैंने पहले ही स्ट्रेनर लगा के रखा है, इसका पानी निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें इसे मिक्सी में चलाना होगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें पालक को ठंडा करके और पीस लेना है, तो ये मैंने पालक पीस लिया है अच्छे से, इसकी बहुत बारीक सी पेस्ट बना ली है और जो पानी उसमें से हमने स्ट्रेनर से निकाल लिया था उसे हमें जब हम ग्रेवी बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। तो ये हमारा पालक पीस कर तैयार है। अब चलते हैं हमारी पालक पनीर बनाने की तरफ। तो पालक पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है हमारी। अब हम इसमें तेल डाल देंगे, हमें पनीर को फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, तेल को गर्म होने देंगे अच्छे से, फिर हम उसमें पनीर के हमारे क्यूब्स डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब पनीर के क्यूब्स डाल देंगे इसमें। ये मैंने सारे के सारे पनीर क्यूब्स इसमें डाल दिए हैं। अब इसे चलाते हुए हम हल्का सा गोल्डन होने तक के इसे फ्राई कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पनीर हल्के से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो पनीर फ्राई करके निकाल लिए हमने, तेल गर्म है हमारा। सेम पैन में इसी तेल में हम जो बारीक कटा लहसुन है वो डाल देंगे। अब हमें इसे तड़का देना होगा। ये लहसुन डाल दिया मैंने, लहसुन को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक के हमें इसे चलाते हुए भून देना है। लहसुन भून चुका है हमारा, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, चला देंगे इसे। अब जीरे को हल्का सा भूनने देंगे, जीरा भी भून चुका है। अब इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे और इसे चला देंगे। तो अदरक और लहसुन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पे अदरक लहसुन को हल्का सा गोल्डन होने तक के, थोड़ा सा जब तक ये भून जाता है तब तक इसे फ्राई कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रहने देंगे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसमें बाकी के हमारे जो सारे मसाले हैं वो डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर, मिक्स कर लेंगे इसे। ध्यान रहे हमारे जो मसाले हैं वो जलने नहीं चाहिए, बस इसे मिक्स कर लेंगे और तुरंत हम इसमें हमने जो पालक की प्यूरी बना के रखी है, पेस्ट बना के रखी है, वो डाल देंगे, चला देंगे इसे। तो देखिए मैंने पालक डाल दी है इसमें, पालक की प्यूरी इसमें डाल दी है। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे एक उबाल आने देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जो पानी हमने स्ट्रेनर से पालक उबालने के बाद में निकाल लिया था। अब जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए, पतली चाहिए, उस हिसाब से पानी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, नमक डाल देंगे, नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे और इसे मिक्स कर लें। तो ये मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने पनीर जो पहले हल्के से फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। तो देखिए मैंने पनीर डाल दिया इसमें सारे, इसे मिक्स कर लेंगे। आप देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि हमने इसमें सोडा और थोड़ी सी चीनी ऐड की थी। तो ये इसे मैंने मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे हम 5 मिनट तक के पका लेंगे और तब हमारी जो पालक पनीर है बनकर बिल्कुल तैयार है। उसके बाद मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा पालक पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है और इसे थोड़ा सा पनीर क्यूब किस के गार्निश कर दिया है। तो ये आज की हमारी बहुत ही सिंपल टेस्टी रेसिपी तैयार है। इसे ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगली रेसिपी मैं अपलोड कर रही हूँ मक्के की रोटी की, जो इसके साथ में स्पेशली खाई जाती है, तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप अगर चाहें तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, इसे ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।